नहीं आप देखा आप कहते मजेदार भला गुस्सा तो आयल हत घर कहाँ हुआ कहाँ पर पटने जिला भागलपुर में तो मैथिली तो समझे जाते होंगे मैथिली समझते हैं ना हाँ गुस्सा देखो रे चलिए हमारा घर कहाँ है दरभंगा हम मिथिलांचल खाटी मिथिला के हैं तब चलो भाई तो हाँ क्लास में दरोगा जी आए हैं एक दरोगा जी थे गेटे से चल गए और उन्होंने जो प्रण किया था उनका भी प्रण बहुत अच्छा था उन्होंने अभी अभी एक आए थे दरोगा जी उन्होंने प्रण किया कि मैं डबल स्टार लेके स्टेज पर नहीं आऊंगा मैं ट्रिपल स्टार लेके स्टेज पर आऊंगा उन्होंने कितनों जीत किया कि ना इन्होंने गेट के पास फोटो ली हमसे मोमेंटो ली कहा कि नहीं जब तक हमको ट्रिपल स्टार नहीं मिलेगा तब तक स्टेज पर नहीं आएंगे तो एक कहते ना एक जोश जज्बा है तो सबसे पहले पूरे कौटिल्या परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामना बार बार कहते हैं हम किसी को बुलाते नहीं है आपकी श्रद्धा है आपका अपना परिवार है चाहे जो एग्जाम में आप कंप्लीट करेंगे मैं किसी को बुलाता नहीं कि आते हैं तो हम उन्होंने कहा कि गुरु जी मिठाई भी नहीं हम खिलाएंगे आपको क्योंकि मिठाई भी कहा मिठाइयों खिला देना यार डिफॉर में खाना हम नहीं खा पाए थे तो ना मिठाइयों नहीं खिलाएंगे मिठाई ट्रिपल स्टार के बाद खिलाएंगे तो हमने कहा ट्रिपल वादा करो ट्रिपल स्टार के बाद पूरा क्लास को खिलाना है कहा गुरु जी वादा किए हैं और जो जज्बा देखे हैं वैकेंसी यूपीएससी वाला भी फॉर्म भर दीजिएगा बहुत अच्छा वैकेंसी है तो पहले जरा सा बातचीत करेंगे आज हम सब दिन तो पढ़ेवे करते हैं दरोगा जी कुछ अपने बारे में परिचय दीजिए मेरा नाम पुष्पराज भारती है मेरा घर सहरसा जिला है सर से हम ऑनलाइन पढ़ रहे थे पिछले 3 साल से और पिछले दरोगा 2213 में मेरा फिजिकल से चुके थे और लगे रहे आप लोग भी लगे रहिए एक दिन सफलता जरूर मिलेगा ये टेस्ट डिस्कशन डेली कहीं भी रहिए इसको घर पे रहिए चाहे आप पटना रहिए कहीं भी रहिए इसको डेली देखते रहिए डेली इसको नहीं छोड़ना है खाना खाने भूल जाइएगा लेकिन ये टेस्ट डिस्कशन नहीं छोड़िए यही बार बार कहते रहते हैं हाँ ये सब क्या है देखिए ना टेस्ट देने आता है 15-16 लड़का 12-16 लड़का बहुत लड़का आंसर शीट में अपना डाटा नहीं भरता है क्यों कि सर के पास डाटा चलाएगा नहीं नहीं सबका कम नंबर आता है स्टार्टिंग में सबका उससे घबराना नहीं है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा वो भी नहीं भरते ना ओमर नहीं जमा करते हैं देखिए ओमर भी नहीं जमा करता है तो नाम चेंज करके देखिए नाम से की जो हमारा रिजल्ट खराब होगा तो हमारा नहीं जानेंगे कहे चलिए आपने 2200 से देखो 2446 वाले में थे 2213 वाले में अच्छा 24 रजिस्ट्रेशन हुआ था तो ये सेकेंड अटेम्प्ट था और इन्होंने अपना रिजल्ट अचीव करके घर के लोगों को समाज को एक नया एनर्जी दिया है अभी कुछ दिन पहले हमने जोश टॉक एक चैनल है उस पर बहुत दिन से मुझे इन्वाइट किया जा रहा था लेकिन छुट्टी के बाद में कहते थे भाई ये सब हम नहीं जाते लेकिन संजोग था कि दुर्गा पूजा के छुट्टी में हमको दिल्ली का कुछ इमरजेंसी काम भी निकला तो हमने कहा चलो भाई इस काम से दोनों चीज़ हो जाएगा तो वहाँ पर हमने अपनी आपबीती बताई और लगभग हमने क्या कहा लगभग यही आपबीती सभी तरक्की करने वाले के साथ है और इनका रिजल्ट आप अपने भाई बहन में क्या कैमरे नंबर पे हैं दो भाई हैं आपसे बड़े हैं अच्छा आपसे छोटा है वो भी मेरा क्लास कर रहा है बहुत अच्छा आप देखिए एक भाई बना तो छोटका को भी एक प्रेरणा मिली और इनके हिसाब से इनके गांव में इनके आसपास आप नई जागृति जगेगी मेरा यही कहना है आप एक रिजल्ट नहीं देखना उसमें एक रिजल्ट में कई 500 रिजल्ट समाहित है यदि वो बच्चा जो रिजल्ट दिया है ईमानदार बनेगा ना इलाका का शोर इलाका में एक नया ऊर्जा बनेगा कि नहीं हमको भी निकलना है वो हमको भी निकलना है एक महिला बटालियन हो जाएंगे तो सभी बेटियों में यह उन्नति का राह प्रगर्सर हो जाएगा आप कितना घंटा पढ़ते थे क्लास के अलावा क्लास के अलावा लगभग 8 घंटे 10 घंटे क्लास 2-3 घंटा का चलता था हाँ क्लास 2-3 घंटे मतलब 2-3 क्लास के साथ जो है ना लगभग 12 घंटे था और क्लास जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो टेस्ट डिस्कशन और सेल्फ स्टडी क्या बात है बुक जो है ना ये सब बुक सब बहुत ज्यादा डरावना होगा डेंजर है जो सच्चाई है किसी भी एग्जाम के लिए जो बायोलॉजी का बुक है हिस्ट्री का बुक है ज्योग्राफी का बुक है जबकि है क्या खुद 2006 से पढ़ा रहे उससे पहले 6 से पढ़ाने के दौरान कई एग्जाम दिए क्या वो मास्टर कहता है कि हमारा ई एग्जाम दिए ई सब झूठे बोलता है बाप जन्म में कभी एग्जाम नहीं दिया होगा सच्चाई है माँ सरस्वती के मन से हमसे झूठे नहीं बुलाता है और हम तो लगातार कहें भैया 23-23 एग्जाम का रिजल्ट है तो एग्जाम देने के साथ साथ एग्जामिनेशन की तैयारी और अपने ही उम्र के लड़कों को भी तैयारी करना क्या बात है 14 एग्जाम रिजल्ट निकाला क्या बात है तो हाँ ये जुनून दिखता है इससे पहले भी इन्होंने कहा कि 14 एग्जाम अपने बारे में हमने अपने से कुछ बताया और अपना कुछ विस्तृत जानकारी दें आप कहाँ से निकले हैं किस समाज से निकले हैं समाज में तरक्की का नजरिया क्या था और वहां से कितने मेहनत करना पड़ा इस वर्दी तक पहुंचने में क्या ऐसे तो वर्दी नहीं मिला होगा ताकि उन लोगों को भी प्रेरणा स्रोत आप बने
देखिए स्ट्रगल तो सबके लाइफ में था, फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही गरीब फैमिली से, ओवरलोड समझ जाइए आप लोग, बहुत ही स्ट्रगल रहा लाइफ में, और इसलिए सर के पास ऑफलाइन नहीं पढ़ सके पैसे की मजबूरी कारण। आप लोग के पास तो है वैसा कि आप लोग यहाँ आके सर के सामने कम से कम पढ़ रहे हैं, हम ऑनलाइन बैच लेके पढ़े और कंटिन्यू मेहनत सबसे बड़ी बात है, कंटिन्यू आप रहिए बने हुए। चलिए एक क्वेश्चन है, इन्होंने क्या कहा कि सबके साथ पैसा के अभाव में यह ऑफलाइन नहीं कर पाए, लेकिन ऑनलाइन की मदद से। आज हमने कहा था, मैं दुर्गा पूजा में गाँव गया था और गाँव में हमको लग रहा कि करीब 100 बच्चे मेरे गांव में चूंकि दुर्गा पूजा में आसपास के गांव सबको पता रहता है कि गुरुजी गांव आएंगे, 100 लड़का हम अपने गांव में गए थे तो अपने स्टाइल से रहते हैं, गांव के लोग बन के रहते हैं, प्रदीप सर बन के नहीं रहते हैं, मेला देख रहे हैं, थिएटर था थिएटर देख रहे हैं, और टुन्ना लाल मुन्ना लाल गया था उसको देख रहे हैं, तो आखिर वहां पर वो क्या हुआ, वास्तविकता हुआ कि नहीं गुरुजी वो गुरुजी ये गुरुजी एक ही है। लड़कों में लगा कि गुरुजी इतने बड़े स्टार टीचर होके भी आम जनता की तरह रहे, न कोई उनके साथ है, हमने क्या कहा, हमें गर्व है कि हम इस मिट्टी से है, और जब हमको प्रोग्रेस कहते पदोन्नति का मौका मिला तो हम एक लाइन में कहते हैं कि आपको भी मिलेगा, ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहेंगे और डबल स्टार क्या ट्रिपल स्टार मिलेगा, सबको मिलेगा, बस ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहेंगे, हो जाएगा आने वाला बिहार दरोगा की वैकेंसी के लिए। क्या छोटा सा, हाँ आज तो डीजीपी साहब जब पटना में प्रोग्राम था हम लोग का नियुक्ति पत्र समारोह, तो उसमें कहा गया कि बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाला है, नीतीश कुमार भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे थे सब पदाधिकारीगण से कि आप जल्दी वैकेंसी निकालिए और जल्दी निपटारा कीजिए, तो कहने का है कि बहुत जल्द आ रहा है वैकेंसी, हो सकता है इसी महीने के लास्ट, तो लास्ट तो हो ही गया, अगले महीने नवंबर में हो सकता है, हमारा विचार है कि छठ पूजा के बाद आएगा, सब सब बर्बाद हो जाएगा, छुट्टियों बर्बाद हो जाएगा, छठ के बाद ही आएगा, छठ पूजा के बाद आएगा, एक बार कहते हैं एक बार धोखिया आएंगे तो रिजल्ट करा के जाएंगे, अभी हो जाएगा तो फिर कहेगा छठ पूजा में दिवाली छठ है, हमारा बेटा का बर्थडे है दिवाली के दिन, उन्होंने गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये तब तो जुनून हो जाएगा, जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, जिम्मेवारी बढ़ेगी, आप लोगों की भी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी, आप लोगों को कहते यदि वैकेंसी छठ के बाद भी दे तो आपको इस छठ पूजा में घर नहीं जाना है, इस छठ पूजा अकेले जो लोग इस छठ पूजा के समय में एक सप्ताह का छुट्टी भी हो जाता है इस समय में अपने आप को झोंक देगा, हो सकता है अगले छठ में आप अपने निजी परिवार के साथ छठ मनाइएगा। चलिए तो हाँ बहुत बहुत शुभकामना, चलो भाई अब जरा मेमन तो लाइए भाई, मिठाई लगा मिठाई ला रहे, चलिए मिठाई ला ला मिठाई, हम खेबो निकलू अभी हमारा देखो करा डायबिटीज नंबर जाए, हम 3 महीना पर सारे चेकअप कराते हैं, 3 से 4 महीना ज्यादा ज्यादा 5 महीना हुआ तो एक सैको होता है कि एक बार चेकअप कराते हैं, सब चेक डॉक्टर नहीं कहता तैयो सब ABCD लीवर किडनी हाँ सब हार्ट सब टेस्ट करा लिए, आई करा ए तू या तू रखी है वो पूरा करना हाँ यस yes.